आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही अलग और नए तरीके के मसालेदार चटपटे आलू। इसकी कढ़ाई खुलते ही आपका मन करेगा कि सारे के सारे मैं ही खा लूं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सबको बहुत ही पसंद भी आएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए आलू, हमने 1 किलो आलू लिए हैं। इसको ना कुकर में 1 विसल में उबाल कर तैयार किया है। ये थोड़े ठंडे हुए हैं जिसे हम छू सकते हैं और इनको हम पहले छील कर तैयार कर लेते हैं। देखिए सबको हमने छील लिया है, अब इसको हम काट के भी तैयार कर लेते हैं। जैसे कि हम एक आलू लेंगे, बीच में से 2 भाग किए और 1 भाग और करके 1 आलू में से हमने 8 भाग कर लिए हैं। थोड़ा सा खोल देते हैं। इसे हम सारे आलुओं को काट कर पहले तैयार कर लेते हैं। सारे आलुओं को तो हमने काट कर तैयार कर लिया है। हमने लिया एक छोटा पैन जिसमें मैं 1 चम्मच तो डालूंगी साबुत काली मिर्ची और 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून ही सौंफ। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 मैंने ली हैं डंडियां कड़ी पत्ते की, ये फ्रेश है। इसको भी धोकर मैंने थोड़ा सुखा लिया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। अच्छे से भून लें सब चीजों को। देखिए 2 मिनट तक इसको हमने भून लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर पीस कर तैयार करेंगे। मिक्सी का जार जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर जिनको रफली चॉप किया है, 2 हरी मिर्ची डाली हूँ इसे भी रफली चॉप किया है, ये थोड़ी तीखी वाली है, इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। हमने कढ़ाई ली है, गैस को ऑन कर लेते हैं। उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसको हमने गर्म कर लेना है। जैसे ही गर्म हो जाएगा 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक काट के लिया है, वो डाल देते हैं। अच्छे से भूनेंगे, प्याज थोड़ी सुनहरी हो जाए। देखिए सुनहरी होनी शुरू हो गई है प्याज। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही एक अच्छे से टेस्ट के लिए और कलर के लिए मैं इसमें 1 चम्मच डालने लगी सोया सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए सोया सॉस में बिना नमक होता है, इसलिए आपने नमक बहुत ध्यान से डालना है। टमाटर और हरी मिर्ची पीसी है वो इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर दें। अब डालेंगे कुछ और मसाले भी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची और ये कलर वाली नहीं है, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अच्छे से सब चीज़ों को पहले मिक्स कर दें और पका लें टमाटर को भी। अब जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया है वो इसमें डाल देना है। हमने उतना ही मसाला तैयार किया है जितना कि इस रेसिपी में चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर दें। अब इसमें हम आलू भी डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। एक छोटी प्याज को हमने पतला और लंबा काट के इसमें डाला है, इसका क्रंच बहुत बढ़िया आएगा। और इसे हमने हाथों से खोल भी लिया है काटने के बाद, को भी अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप के करीब पानी, जिससे कि मसाला अच्छे से चिपक जाए आलुओं पे। गैस को बिल्कुल स्लो कर 4-5 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं। 4-5 मिनट हो गए हैं, हमने एक बार इसे बीच में चला दिया था। अब गैस को तेज कर देते हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया भी। अच्छे से इसे मिक्स कर दें।
ये बनकर तैयार है, हम गैस को बंद कर देंगे। आप एक बार इस तरीके से भी आलू की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत टेस्ट लगेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।